अच्छा बोलिए आप भी। आज राम मंदिर के मसले में कांग्रेस पार्टी को एक इन्विटेशन आया था, उसको जो है तो रिजेक्ट करेंगे, तो इस मसले पे आज गांधी भवन में आप क्या बोलना चाहिए? ये देश का प्रोग्राम नहीं है ये पूरा, ये प्रधानमंत्री का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, ये तो बीजेपी वाला वो भगवान को ओन कर लिए। ये तो बहुत मुश्किल की बात है। हमारा देश है सेक्युलर है, प्रधानमंत्री को खाली हिंदुआ वोटे नहीं दिए थे, पूरा लोग डाले थे ना उसमें, हिंदू हो मुसलमान हो सब लोग डाले थे। और हमारा राम को राम का परिवार उन्होंने ही मान ले रहे, क्या हम भारत देश में इंडिया में हम पैदा नहीं हुए क्या? हम यहाँ का पैदाशी है, हम भी उनका भगवान को मानते हैं कि ये स्पेशली राम को ये लोग हमें पूरा वारस बोलते ना, वैसे हम लोग डिक्लेयर कर ले। शर्मिंदगी की बात ये है कि ये प्रोग्राम जो है इन्विटेशन प्रधानमंत्री घर घर पे जाके देना, ये क्या बात है भाई? ये नेशनल का कुछ इशू है क्या, या नेशनल का 26, 53, 15 अगस्त या कुछ ऐसा भगत सिंह का प्रोग्राम हो या कुछ वो ऐसा देश के लिए करे, सो हिस्ट्री में जो भी इतने बड़े सैक्रिफाइस करे नेताओं के बारे में कुछ प्रोग्राम करे, तो ऑल पार्टी का इन्विटेशन देना है। तो ये पर्टिकुलर जो आरएसएस और जो ट्रस्टी लोग कर रहे हैं प्रोग्राम, तो वो ट्रस्टी लोग जिसको बुलाएंगे उसकी मर्जी है भाई। ये क्या जबरदस्ती है क्या? जो नहीं आते हैं उनका राम का दुश्मन है, हम राम का परिवार है, हम बुट्टू लगाए तो हम ही पूरा भक्त है देश में, दूसरे लोग नास्तिक है। अरे भाई पहला तुम सुधरो, अभी तुम हारने का नौबत आ गया, इलेक्शन नज़दीक में आ गया, पब्लिक का जो बात बोले थे आपने 2 करोड़ का जॉब्स देते बोले, अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करे, और जो है ना यहाँ पर इश्यू पब्लिक के इतनी सारे हैं, मणिपुर में औरतों को जला दे रहे, मणिपुर के बारे में 1 मिनट के लिए बात करने के लिए क्या भक्ति के मूड में चले जा रहे? जाकर आश्रम में रहना था, नहीं तो टेम्पल के सामने जितने लोगों को बुलाया था ना उन लोगों के ले लेके बीजेपी का वोट बैंकिंग के लिए कर रहा है ये। तो पब्लिक को ये भी समझना चाहिए, ये जाके राम का सीता को वो आइडेंटिफाई करके, अभी तक हिस्ट्री में कन्फ्यूजन है सीता किधर पैदा हुई, अयोध्या हुआ किधर हुआ क्या होगा। जब देखो तेलंगाना में या पर जो कम्बम में है भद्राचलम, वहाँ पर जो है ना वहाँ पर भी राम ने आया था, वही जगह हम लोग मानते हैं। तो वो सब छोड़ के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी जाके इतना पैसे खर्च करके भक्ति का उसमें जो पैसा लगा के रिलीजन के नाम पे हमारे को जो राम और पब्लिक के इसमें जो पॉलिटिकली वोट बैंकिंग का जो ये लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत गड़ा पाप कर रहे हैं ये लोग। इसका वो नहीं है ना, जो लोग का जो वायदा किए थे उन लोग जो प्रॉमिस करे थे मोदी जी ने पब्लिक के लिए, वो प्रॉमिसेस नहीं निभा सका, हो गया ख़त्म हो गया खल्लास, तो उसके लिए उसको बोलने का वॉइस ही नहीं है। तो बहाना क्या ढूंढा, ये टेंपल का इश्यू ले लिया, तो ये शर्मिंदगी की बात है। हम लोग कांग्रेस पार्टी वाले हमारा राहुल जी हम लोग जाना चाह रहे, तो रोकना उनका काम है क्या? बीजेपी के क्या उसको रिलेशन है? और हमारा राहुल गांधी के ऊपर हमला करना उधर जाने के लिए क्या लिखे रखा है क्या बीजेपी वाला ये अयोध्या का केयरटेकर है? तो ये गलत है, तो ये उसका असर आपको दिखेगा। और राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं पब्लिक के लिए प्रजा के लिए कर रहे हैं, देश को इकट्ठा करने के लिए जैसे प्रेम भाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप जो रिलीजन का भगवान के नाम पे जो थोड़ फोड़ का काम कर रहे हैं ना, ये काम हमारा कांग्रेस पार्टी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और हम आगे जाएंगे तो राम का तो राम जगह पे रहेंगे, राम के जगह पे, और राम को पाप बिचारा इन्हें ही छात पकड़ के लेके आए जैसा मोदी जी ने जो पोस्टरा भी डाल ले रहे। अरे अगर राम भी आ गए ना वो भी मोदी जी को इतना खड़ा पनिशमेंट देगा, उन्होंने बहुत बड़ा पनिशमेंट देगा। कांग्रेस पार्टी एक सबूत करते हैं आप सिंगुलर किस्म का दिखाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी तक जो भी है हमारा सेक्युलर ही है। हम जो सिस्टम है इंडिया का बेटर सिस्टम इंडिया का है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो महाभारत रामायण से बड़ा है, पहला उसको पढ़ो भाई। बाद में जो प्रॉमिस करके प्रधानमंत्री बने थे एक मत के लिए एक रिलीजन के काम नहीं करूँगा सबके लिए काम करूँगा बोला था उन्होंने, अभी क्या कर रहा है इन्होंने? तो ये नफरत फैलने का काम जो कर रहे हैं ना, इसको अच्छा हम लोग पब्लिक में लेके जाएंगे और हमारा राहुल गांधी को पब्लिक ही सपोर्ट करेंगे, और उसके ऊपर हमला को हम लोग खंडन कर रहे हैं, और उसका कुछ भी होगा
उसके ऊपर हमला के तरफ से उसका जान का कुछ खतरा करने वाला हो तो वो बीजेपी होंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को। मेरा नाम पुष्पलीला है, मैं फॉर्मर मिनिस्टर हूँ, आईपीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ।